अभी एक दूसरा पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें पहले सबसे पहले बताती हूँ कि दानिश ने क्या क्या लाई। यहाँ बताओ। तो ये रहा मुंजिनिस का वेफर, और मिठाई की जरूरत नहीं थी फिर भी वो मिठाई लेकर आए हैं, और ये भी कुछ है जो मैं अभी भी बाद में बताऊंगी। अरे बता बता बता। नहीं, एक चीज़ और है जो फ्रिज में है, और अभी मैं ये बताती हूँ क्या है। क्या है ये? लल्ला को क्या लगता है? अरे लल्ला को रोज आइसक्रीम लगती है, क्या करे। लल्ला का नाम और उसकी माँ का काम। अल्लाह, मैं कौन सा खाती हूँ? वो सिर्फ ये कौन खाती हूँ? तो खाना कौन खाना तेरे, कौन तेरे से हो? और ये एक फैमिली पैक लल्ला का, एक मेरा है। अल्लाह, देखा देखा अभी क्या कहा, मेरा नाम ना, देखा लल्ला के नाम पे कैसा खुद मजा मार रहे। डब्बे वाला लाना था ना, ये क्यों लाया? वो नहीं, डब्बे वाला नहीं मिलता, ये इतने भारी वाली दुकान थोड़ी है। डब्बे वाला चाहिए था। मेरा तुम पिघल गए लाए ऑलरेडी। तो उसमें डाल दे, उसका डब्बा है ना स्टील का, उसमें डाल दे उसकी ना मेरी भी। दोनों की अलग अलग दो डब्बे में डाल दे। ये छोटे दुकान है ना, वो स्टेशन पे गया नहीं हुए। ऐसा? हाँ, इधर से लिया। चलो फिर आइसक्रीम खाओ अभी। चलो फिलहाल का वीडियो हम बाद में स्टार्ट करते हैं, तैयार होकर। आप लोग अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और मजे में रखे। आमीन 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 आमीन। तो हम तैयार हो गए हैं। तैयार बोले तो कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, ऐसे ही थोड़े बहुत। और ये रहे हमारे कपड़े। एक मिनट, मैंने कुछ लाया है तेरे लिए। तो हमने मैच मैच पहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे तरफ से 13 साल के 13 गुलाब के फूल तेरे को। मेरे पास कुछ नहीं है। इसी तरह गुलाब की तरह खिलखिलाती रहे, फूलती रहे, खुशबू देती रहे। मेरे पास एक भी फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है दानिश को देने के लिए। चलेगा। मैं काम करती हूँ, इसमें से ही निकाल लेती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। तो फाइनली हमारी एनिवर्सरी हमने मनाई बहुत अच्छे से। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, पार्ट टू में आएगा। ऐसा सब रंग बाल भी ठीक से बनाए नहीं है, एकदम फूल गया है सब। अच्छे अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये कहीं जाना ही नहीं, घर में क्या तैयार होना रहा इसके लिए हमने। नहीं, अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो कैसा लग रहा है? ये दानिश के ने जो ड्रेस दिया था उसमें से ये ड्रेस भी एक है। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना दानिश? बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह वाह, माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। प्यार की खुशबू है, ऐसी थोड़ी प्यार है। दानिश जो लेने गए थे ना उसमें ये भी चीज थी। और दानिश ने, हाँ दानिश ने गजरा भी लाया है। गजरा भी लाया, मैंने लगाया नहीं है। गजरा लाया है और केक भी लाया है। केक बताया? केक ये गजरा भी लाया है दानिश ने, लेकिन मैंने लगा नहीं रही हूँ। मत लगाओ, कल लगाओ। हाँ कल लगाऊंगी। हाँ फ्रिज में रख दो। हाँ केक बताओ। तो ऐसी रही हमारी एनिवर्सरी, अच्छे खासी जा रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और फूल देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। देखो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत फूल है ना। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कि उसने एनिवर्सरी कैसे 13 साल बिताए, और बहुत सारे साल बता। आमीन आमीन इंशाल्लाह। अभी मैं बताती हूँ हमारा केक। ये इस बार दानिश ने अपनी चॉइस अपनी पसंद से लाया है। हाँ ये देखो, ये है हमारा केक एनिवर्सरी का। कैसा है? अच्छा है ना माशाल्लाह? बहुत अच्छा है, बहुत हार्ट अच्छा शेप में ही केक लाया है दानिश ने, लाया अपनी पसंद से। क्योंकि मैंने उनको कहा इस बार तुम तुम्हारी पसंद से सब कुछ करो, तो देखो उन्होंने अपने हिसाब से सब किया है। और अभी ये फूल मेरे को जो फूल दिया है ना, ये मैं मेरे हिसाब से मेरे पसंद की जगह पे लगा रहा हूँ।
तो फिर उन सब में एक 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 डालो ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने मेरा लगाया, तेरा दिल लगाने का, तुझे मैं लगाता हूँ। सब में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। और ये भी मैं किसी में रखती हूँ, रुको मैं लाई ये ना, लाई एक मिनट रुको ना बस। अरे खाली है ना बाटली? नहीं नहीं उस ये सब इसमें डाल दिए। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे ये निकालू क्या? देखो उनको भी लेने ना, ये नहीं रहेंगे, रहेंगे रहेंगे नहीं रहेंगे, एक निकाल के दे रहे बाकी सब रहेंगे। कैसे लग रहे? अच्छे दिखे, गुलाब के तो अच्छे दिखने वाले हो। नहीं मतलब इसमें कैसे लग रहे, ये देखो कैसे लग रहे ना? बहुत अच्छा, ऐसा होता है गुलाब के झाड़े से। इसमें बीच में से जाएगा ना दोनों? नहीं जाएगा, जा रहा है वो इसमें अब क्यों ना। अल्लाह अल्लाह खूबसूरत लग रहा है ना हमारा टेबल भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशा। तो ये कल का केक वैसा ही है, हमने रात में खाया ही नहीं। और ये सब ये देखो दानिश ने कैसे फूल लगा दिए, मैंने इन बॉटल में ना इस तरह से ये लगा दिए हैं। मुझे ऐसा करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ ये देखो, और ये एक ऐसे वास था हमारे पास, तो मैंने उसके अंदर इन सबको रख दिया है। इसके अंदर नीचे पानी भी है, ये देखो। तो ऐसा सज गया है हमारा टेबल। और ये देखो ये कितना खूबसूरत है। इनके बीच में हमारा केक, वो वेफर उठा रहा वहां से, उठाया। अच्छा लग रहा है ना नानू? सब अच्छा है, सब अच्छा है। चलो अभी केक काटो देखो जल्दी से। तो अभी हम काटते हैं केक। चल आ जा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लोगों के लिए प्लीज हमारे लिए दुआ करो, दुआ करो। आमीन आमीन। आप लोगों के हिस्से का मैं खा लेती हूँ। माशाल्लाह ये सब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है माशाल्लाह से। कल से फातिया भी अच्छे से हो रहे हैं, मतलब रात से, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दानिश के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग का तो प्रोग्राम तो कुछ और था, हम लोग किधर बाहर जाने वाले थे दूर किधर, और ये बर्थडे के हिसाब से और एनिवर्सरी के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जहाँ पे जाना था वहाँ पे होटलों में इनको लेते नहीं हमारे कुछ छोटी लोग को, बच्चे लोग को हमारे नहीं लेते हैं। तो उसके वजह से अभी मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कुछ ऐसा होटल कि जहाँ पे उनको भी एंट्री मिले और हम लोग सब साथ मिले। हाँ। ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, कोशिश चालू है। क्योंकि वो लोग को भी प्रॉमिस किया था ना कि आप उनका जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। अभी वो भी ज़्यादा चिड़चिड़े हुए घर में, उनको घुमाना जरूरी है। उनको घुमाते हैं और हम लोग भी घूमते हैं और बहुत सारे वीडियो बनाते हैं और फिर तुम लोग को बताएंगे। एक्चुअली हम ना बच्चों के लिए कुछ और भी सोच रहे हैं। अगर किसी की नज़र में ऐसा कोई होना तो बताओ। वो हम ये सोच रहे हैं, हम 2 महीने से ढूंढ रहे हैं। हमें ना कोई ऐसी एक लेडी चाहिए ना कि जो मतलब हमारा घर संभाले 24 घंटे, मतलब हमारे यहाँ आकर रहे। हाँ उसका जब मन करेगा जैसे छुट्टी वगैरह तो वो कभी कभार बाई चांस उसके घर जा सकती है, लेकिन वो बाकी का सारा टाइम हमारे घर पे रह सके। मतलब मुझे घर में भी थोड़ी हेल्प होगी कि मुझे ना खुद के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत टाइम बिजी जाता है।
और दूसरी बात कि बच्चों को घर का एक बार नहीं भी किया तो भी चल जाएगा है ना, लेकिन बच्चों को दिल से उसने प्यार करके संभाल के सब कुछ करना चाहिए बच्चों का। एक टाइम मतलब क्या था, एक साल पहले की बात बोलती हूँ, एक साल से ज्यादा हो गया कि जो हमें जानती उनको पता है हमारा कैसा था ना कि हम हमारा मन किया ना तो हम जब चाहे जहाँ जा सकते मतलब जाते थे निकल के, कभी भी खाने का मन किया ना आधी रात में तो दानिश मेरी आधी रात में भी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मतलब ऐसा एक टाइम हमारा जा चुका है जब ये बच्चे लोग नहीं थे, तब की बात बोल रही हूँ। तो मतलब एक टाइम हमारा ऐसा था कि हम सब जगह मतलब मन किया जाने का है तो बस हम लोग जाते थे, हम लोग माशाल्लाह से बहुत घूमते थे। लेकिन अभी इनको लिया है तब से क्या होता है कि घूम मतलब सोचना पड़ता है, घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कैसे करे क्या करे कैसे जाए कैसे ना जाए। तो इसके लिए हम ना कोई ऐसी लेडी ढूंढ रहे हैं कि जो घर में रह सके और मतलब कि हाँ चलो वो है, हम लोग बिंदास कहीं भी जा सके, ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं। अभी तो कोई हमें ऐसा मिला नहीं है, और कुछ कुछ ऐसे हैं मतलब मिल रहे हैं, लेकिन उनका कैसा है वो उनका ऐसा कहना है कि जैसे तुम लोग को जाने का रहेगा ना तुम लोग प्यार करेंगे तो फिर हमें बताओ, फिर उसके हिसाब से हम लोग तुम्हारे घर पे फिर उतने दिन आके रहेंगे। लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है कि बच्चों को आदत लगना भी बहुत जरूरी है कि उसकी आदत हो, क्योंकि अभी भी हमारे घर में कोई नया इंसान आता है ना तो उनको वो नहीं चलता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वो घर में रहे ताकि बच्चों को उसकी आदत लगे, उसको बच्चों की आदत हो, सब कुछ पता हो। तो वो घर में रहने से कैसा, उसको सब कुछ पता रहेगा ना हमारे तौर तरीके घर का, बच्चों का कब क्या करना है कैसा करना है। इसके लिए हमें ऐसी औरत के लिए मतलब हमने मना कर दिया कि नहीं हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे घर के लिए ही चाहिए। तो सिर्फ इसलिए हमारा प्लान मतलब कि सक्सेस नहीं हो रहे, वरना एनिवर्सरी और हम घर में रहे ऐसा होता नहीं है। एनिवर्सरी क्या कोई बर्थडे के लिए भी हम घर पे नहीं होते हैं। तो ये सब चला है हमारा कि बच्चों को छोड़ के कैसे जाए, उनका तो हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी है वो, और जान हमारी जान से ज़्यादा हम उनको चाहते हैं, हम उनका करते हैं। तो हम ऐसे ही कोई औरत चाहते हैं कि वो भी उनको उतना ही प्यार करे। तो जो दोस्त उनके साथ खेलना भी पड़ता है, सकेगा आके उसी का काम है। हाँ। सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए। तो ऐसा सब है, इसके लिए हम कहीं भी मतलब अभी के साथ दिल किया वो निकले ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अभी देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है, कि अल्लाह तो बेहतर करेगा उनके लिए भी ना हमारे लिए भी, जो भी आएगा उसके लिए भी। हमें दिल से प्यार करने वाला चाहिए हमारे बच्चों के साथ, मतलब अच्छे से रहे करे सब कुछ इस हिसाब से जाए। तो ये सब रहा कि हम नहीं जा पाए। दूसरी बात और एक बात कि मैं मेहंदी नहीं निकाल पाई कल, दानिश इतना लेट आए ना क्योंकि मैंने क्या सोचा था ना मैं मेहंदी निकाले कि ना बाहर जाने वाली थी कि बाहर जाके ना मेहंदी निकाल के आऊँगी, लेकिन मैं दानिश इतना लेट आया कि मैं जा भी नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा जान तो मुझे भी कट डाला आया था निकालने के लिए, लेकिन थक गई थी। और हाँ रात में हम पूरे 2 बजे सोए, 2:15 ना 2:15 बजे हम लोग सोए रात में, ऐसा सब हो गया। तो फिर क्या मेहंदी निकालती क्या करती, फिर आज का आखा दिन बिजी गया, आप लोग ने देखा है क्या क्या हुआ कैसे कैसे हो गया, ऐसा सब था। तो इसके लिए मैंने मेहंदी निकाली नहीं, लेकिन आजकल मैं निकाल लूँगी कुछ भी ऐसा सिंपल सा, मुझे मेहंदी निकालना अच्छा लगता है। मैंने रखा है अभी बच्चों का चिकन, सिटी की आवाज़ आएगी पीछे से। तो अभी देखो ये मेरा आपकी वेफर है, ये वेफर और कैडबरी का चॉकलेट और आइसक्रीम, ये 3 चीज हमारे शादी के पहले के खास चीज़ है, क्योंकि शादी से पहले जो मेरे को मिलने को आती थी या हम कहीं से जाते थे घूमते थे फिरते थे, तो जब भी आती थी मेरे पास तो मैं इसको क्या खाती थी ज़्यादा में ज़्यादा, इसका फेवरेट वेफर और आइसक्रीम का कोन और कैडबरी चॉकलेट बड़ा वाला, ये 3 चीज़ खाती थी ज़्यादा में ज़्यादा, इसको 3 चीज़ बहुत पसंद थी। तो मैं वाली में रखने का ही ऑलरेडी रखने का, लेने की जो कि तो मिले नहीं मिले। हाँ हाँ, तो इसका लगता मतलब कहीं भी ये लेने लेना पड़े रुकना पड़े ऐसा इनका काम ही नहीं था। और अगर गाड़ी में जीत जाएगी और उसको आदत भी खाने की तो मेरा तो इम्प्रेशन खराब होगा ना, मेरे को तो इम्प्रेस करना था, इम्प्रेस इम्प्रेस तो इम्प्रेस कैसा करने का।